तो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग सभी को तो जी के पी वाई क्यू सीरीज में आज हम लोग का लेक्चर नंबर फोर्टी थ्री रहने वाला है ठीक है और इस लेक्चर फोर्टी थ्री में नए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं गुड इवनिंग सभी को कल देने वाले थे गुरुदेव अप्रैल वाली अप्रैल वाली कल मिल जाएगी है ना अभी थोड़े से कुछ करंट अफेयर्स बच रहे थे अब देना ही है तो फिर पूरी तरह से दें सारे करंट अफेयर्स हों कुछ बचे ना ठीक है कुछ बचे ना और बहुत बड़ी भी ना हो छोटी भी हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक है कोशिश ये करता हूँ कि काफ़ी जितने कम करंट अफेयर्स हो सकें ठीक है तो कल फॉर श्योर आपको मिल जाएगी है ना और एड्स आ गई अब सर आएंगे हाँ तो सेशन को भाई लाइक और शेयर कर देना अगर मन हो तो बाकी जस्ती तो ज़ोर ज़बरदस्ती तो खैर नहीं कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर फोर्टी थ्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं और जो इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था है ना ऑल इंडिया रैंक वन वन सेवन या तो आपको रात में देखने को मिल जाएगा या कल सुबह ठीक है वीडियो तो स्टूडेंट ने भेज दिया बट एक बार मुझे थोड़ा सा देखना चेक करना है क्योंकि थोड़ा सा उसमें आई थिंक कुछ दिक्कतें हैं है ना कुछ वोटो वाँक वग़ैरह आ रहा है खैर कोई नहीं तो पहला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा था महानदी बेसिन डज नॉट एक्सटेंड ओवर विथ स्टेट महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है आई से बेसिन बेसिन जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब क्या है बेसिन का मतलब एक तो मेन रिवर ठीक है प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी सहायक नदियाँ सबको मिला के बोला जाता है बेसिन या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ कैशमेंट एरिया क्या बोल सकता हैं कैशमेंट एरिया कैशमेंट एरिया मतलब जैसे कि यह रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज उसकी ट्रिब्यूटरीज तो देखो ये जो पहली ट्रिब्यूटरी होती है उसको हम प्राइमरी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी को हम सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं रखिएगा तो जो पूरा एरिया बनता है ना दैट इज कॉल्ड एज कैशमेंट एरिया और द रिवर बेसिन अब यहाँ बात हो रही है कि रिवर बेसिन कहाँ एक्सटेंड नहीं होता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए ये आपको पता है कि जो महानदी रिवर है कहाँ की मुख्य नदी है ये उड़ीसा की मेन रिवर है ठीक है उड़ीसा की ये मुख्य नदी है मेन रिवर है जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है बताइए जल्दी से महानदी रिवर का ओरिजन कहाँ से होता है और इसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम आप जल्दी से बताएंगे ठीक है तो अगर हम बात करें तो महानदी अगर उड़ीसा की मेन रिवर है तो उड़ीसा के आसपास कौन से स्टेट हैं छत्तीसगढ़ है, है। उड़ीसा तो है ही है छत्तीसगढ़ है और आपका झारखंड है ठीक है कर्नाटक तो काफ़ी दूर हो गया ना जैसे उड़ीसा है यहाँ पर यहाँ उड़ीसा है कर्नाटक यहाँ पे है तो उसका बेसी ना आपको लगता है कर्नाटक तक जाता होगा बिल्कुल नहीं ठीक है तो आप तुरंत इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है कि भाई कैसे एलिमिनेट करेंगे हमें क्या पता है किसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ पर तुम्हें नहीं पता फिर तो किसको पता होगा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा गया यहाँ पर कर्नाटक तो रीजन की अगर बात करें सिहावा हिल्स ठीक है सिहावा पहाड़ियाँ पड़ती हैं सिहावा हिल्स पड़ती हैं कहाँ पर छत्तीसगढ़ में और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें ओंग जोंक तेल हंसदेव रो देव ठीक है मांड ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी की महानदी पे हमने एक डैम पढ़ा था जो कि हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है और ये डैम आप जानते हैं हीराकुड डैम है ना ये लॉन्गेस्ट है उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जो महानदी है ना उसके नीचे अगर हम एक रिवर देखें तो एक हमें रिवर देखने को मिलती है ऋषिकुल्या ठीक है ऋषिकुल्ला और एक और नीचे रिवर है जो कि आखिरी में जाते 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 आंध्र प्रदेश में चली जाती है और वो हमारी कौन सी वंशधारा? धारा की अगर बात करें ये इसका जो मुहाना है जिसका माउथ है या फिर जिसका डेल्टा है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए काफी फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स है ना जो यहाँ पे एक हरी बाडा करके एक परफॉर्म करते हैं ये मतलब इनका नेस्टिंग ग्राउंड है एक तरह से बस ऐसे समझ लो क्लियर है यहाँ तक सभी को कि महानदी बेसिन कहाँ पे सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हु वाज द फर्स्ट आर्मी ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन हैं आपके विक्रम बत्रा करम सिंह सैम मैनेक्शा और के एम करियप्पा बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा तो सही आंसर सभी यहाँ पे जानते हैं फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू दी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल आंसर क्या होगा सैम मैनेक्शा अब यहाँ से आपको एक करंट की न्यूज़ याद आनी चाहिए कि फाइव जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको आर्टिलरी रेजिमेंट में पोस्ट किया गया है अभी मैंने आपको जो मे के करंट अफेयर्स थे उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा ठीक है किस किस को याद है और इसके रिगार्डिंग मैं सेशन भी ले चुका हूँ आपका टेलीग्राम पे ठीक है सारा कुछ हम देख चुके हैं अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था एक तो शिवांगी सिंह जी का नाम पढ़ा था कि जो एक्सरसाइज ओरियन एक्सरसाइज होने वाली है फ्रांस में उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी प्लस हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसमें जो पाँच हमारी आ, आर्मी ऑफिसर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे एक तो आई थिंक कोई मेहल सैनी कर गई थी साक्षी दुबे आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये याद रखना कि आप फाइव वेमन ऑफिसर पोस्ट हुई हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है द फोटी सेकंड अमेन्डमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पियांबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टून बयालिसवान जो संविधान संशोधन हुआ था उन्नीस सौ छिहत्तर में उसने पियाम्बल में हमारे कौन कौन से वर्ड्स जोड़े थे तो इसकी हिस्ट्री और जोग्रफी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रियांबल है जो प्रस्तावना है पहले तो बेरोबारी जो यूनियन केस हुआ था ठीक है बेरोबारी यूनियन केस में क्या बोला गया था कि प्रियांबल को अमेंड नहीं किया जा सकता है फिर केशव नंदा भारती केस 1973 में बोला गया था प्रियाम्बल को अमेंड किया जा सकता है इसमें बोला था प्रियांबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का हिस्सा है ही नहीं इसलिए उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है कि ABC में बोला गया कि ABC मतलब कौन बनेगा करोड़पति है ना तो केशव नंदा भारती केस में यह बोला गया था कि प्रियाम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस इट कैन बी अमेंडेड तो फिर उसके बाद तीन साल बाद अमेंडमेंट इसमें हुआ एंड इट इज दी नॉट ओनली इट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट बट इज इट इज ऑल्सो दी ओनली अमेडमेंट अभी तक सिर्फ एक ही संशोधन हुआ एंड दैट इज फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट और इसने तीन वर्ड जोड़े हैं वो तीन वर्ड कौन से हैं सिलिस्ट सेक्युलर और इंटेग्रिटी यानी ये तीन वर्ड ओरिजिनली जब हमारा प्रियम्बल हमने अडॉप्ट किया था जरा बताइए किया था या फिर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया था तभी क्या होगा तो प्रियम्बल में ओरिजिनली ये तीन वर्ड नहीं थे समझिए ओरिजिनली इसमें तीन वर्ड ये सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी क्यों नहीं थे क्योंकि ये बाद में ऐड हुए हैं तो अगर ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ दी प्रियांबल है ना तो याद रखना आपको सोशलिस्ट मतलब कि समाजवाद इंटेग्रिटी मतलब अखंडता और सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष तो अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो यहाँ पूछा गया विच वॉज एडेड तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकुलर ठीक है सेकुलर वाले को ऐड किया गया था सोवरेन का मतलब आप जानते हैं सॉवरेन का मतलब सार्वभौम यानी कि एक तरह से कोई हमें आउटर अथॉरिटी गवर्न नहीं कर रही है हम इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए कोई और हम, हम कोई अपने डिसीजंस नहीं थोप सकता है कोई और कंट्री डेमोक्रेटिक का मतलब जानते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी को वही अब्राहम लिंकन की हमारी डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल जहाँ पे लोगों का राज है एक तरह से है ना रिपब्लिक का मतलब आप जानते हैं कि जहाँ पे हेड ऑफ़ दी जो स्टेट हैड uh, या फिर हेड ऑफ़ द कंट्री होता है वो इलेक्टेड होता है जैसे इंडिया के केस के में प्रेसिडेंट है लेकिन ब्रिटेन के केस में वहाँ पर इलेक्टेड नहीं है वहाँ पर हेरिडेटरी मोनार्क है है ना इसलिए वहां पे रिपब्लिक नहीं है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है यूएसएसआर uh, ठीक है जो प्रेजेंट रशिया है कनाडा ब्रिटेन या फिर यूएसए अगेन सुपर इजी क्वेश्चन है वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे ही यूएसए का भी प्रियम्बल स्टार्ट होता है सॉरी वी द पीपल ऑफ यूएसए नॉट इंडिया तो वी द पीपल ऑफ़ यूएसए करके यूएसए का भी पियाम्बल स्टार्ट होता है और यहीं से हमने लिया है प्रियाम्बल प्रस्तावना को इसके रिगार्डिंग आपको प्रियांबल के रिगार्डिंग और क्या क्या याद आना चाहिए आपको याद आना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी और थर्टीन दिसंबर नाइनटीन को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ठीक है इसको प्रेजेंट किया था एज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ठीक है तो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है ना उसको प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने और उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म एक तरह से प्रियाम्बल है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारा जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद इसको बनाया गया था और उसके बाद इसको अपनाया गया था ठीक है कि हमारा संविधान किस तरह से बना है और इसको अडॉप्ट कब किया गया था जल्दी से बताइए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को और प्रियाम्बल से आप क्या रिकॉल कर सकते हैं कि प्रियाम्बल में हमारे लास्ट में डेट ऑफ एडोपशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन है यानी कि हमने अपने संविधान को कब अपनाया था ये भी मेंशन है कि बाई डू वी इनैक्ट एंड अडॉप्ट एंड गिव टू आसलिस नवंबर उन्नीस सौ उनचास क्लियर है इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आप जल्दी से बताइएगा लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रैटर्निटी ठीक है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रैटर्निटी फिर आप बताइएगा कि हमने जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो ये अडॉप्ट किया गया था ट्वेंटी टू जनवरी नाइनटीन फोर्टी सेवन को ठीक है और यहाँ अगर हम बात करें लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो ये हमने लिया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है इसको हमने लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी और जो जस्टिस के प्रिंसिपल से इनको हमने लिया है यूएसएसआर या फिर रशिया से लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप यानी पाँच तरह की है इक्वालिटी दो तरह की है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फ्राटर्निटी आपकी एक तरह की है क्लियर है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीन तरह के जस्टिस हैं तो ऑप्शन में रख देगा जैसे जस्टिस तीन तरह के ना सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल तो एक और कुछ ऐसे बना के रख देगा अपने आप से जो नहीं होगा ठीक है ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि किस तरह के जस्टिस हैं किस तरह की लिबर्टीज़ हैं किस तरह की इक्वालिटीज़ हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं अ डैश अकाउंट इज वन विच इज मेटेन बाय एन इंडियन बैंक इन द फॉरेन कंट्रीज यूजुअली इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस ट्रांजेक्शन देयर ठीक है तो एक डैश खाता वह है जो एक भारतीय बैंक द्वारा विदेश में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में रखा जाता है नॉस्त्रो वॉस्त्रो लिबोर मिबोर तो ये जो नॉस्त्रो वॉस्त्रो है या बहुत और लिबोर मिबोर भी या बहुत करंट में सुन रहे होंगे तो लिबोर मिबोर तो मैंने आपको अभी मे के जो करंट अफेयर्स करवाया था तो उसमें बताया था लिबोर क्या था लिबोर था हमारा इसका फुल फॉर्म था लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट इंटर बैंक ऑफ़र रेट तो ये एक तरह का रेट होता है जो डेली वेरिएट करता है किस तरह से इंटरनेशनल बैंक्स आपस में लेन देन कर रही हैं और हमारी आरबीआई ने भी बोला कि लिबॉर से इंडियन बैंक्स को डेडलाइन दिया है कि एक जुलाई से पहले पहले तक यानी जून तक आप लिबॉर से सॉफ़र में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर आप मेबॉर uh, में भी शिफ्ट हो सकते हैं तो सॉफ़र क्या आपका सिक्योर्ड ओवर फाइनेंसिंग रेट इसमें आपको शिफ्ट होना है तो ये तो नहीं होगा इसका कुछ लेना देना ये जो पूरी डेफिनेशन दी हुई है क्या इससे कुछ लेना देना है इंटरेस्ट रेट से नहीं है आंसर नौस्त्रो या वस्त्रो में होगा आंसर इसका में होगा ध्यान रखना का मतलब होता है सिंपल आर्ट्स मनी विद योर्स ठीक है आर्ट्स मनी विद या फिर इन योर बैंक और वॉस्त्रो का मतलब है योर मनी इन आर्ट्स बैंक मतलब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया इंडिया को एक इंडिया को एक और रशिया को ट्रेड करना है आपस में ठीक है इंडिया है इंडिया है यहाँ पे और मान लेते हैं कि कोई कंट्री ले लेते हैं और सिंपल सा आपको समझाने के लिए चलो तो रशिया ले, ले लेते हैं ठीक है रशिया तो अब मान लेते हैं इंडिया रशिया को ट्रेड करना है ठीक है ट्रेड डॉलर्स में होता है तो इंडिया अगर इनको रुपी में पे करेगा पहले रुपी में पे करेगा फिर इसका डॉलर में कन्वर्जन होगा तब रशिया को पेमेंट होगा रशिया का कुछ करना है तो वो पहले डॉलर में कन्वर्जन होगा और देन इंडिया को पेमेंट होगा तो इस तरह से ये डॉलर की जो है अभी तक तो एक तरह से हैजी चल रही थी पूरे मार्केट सिस्टम में और वो हैजी धीरे 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 अब कम होती जा रही कम होती जा रही है और कम करने की पूरी कोशिश हो रही है क्यों ताकि फ्रीली ट्रेड हो सके ठीक है क्यों डॉलर पे ही हम लें तो इसी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक ने क्या कहा रशियन की भाई रशिया की किसी भी बैंक से कि आप हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एस में आप अकाउंट खोल लो और अकाउंट खोल लो पैसे रख लो और हमारी करेंसी में रखो ठीक है ताकि तुम्हें ट्रेड करना है तो उससे पेमेंट कर सको और हम भी तुम्हारी करेंसी में तुम्हारी किसी बैंक में हम अपना अकाउंट खोल लेंगे और तुम्हारी ही करेंसी में पैसे रखेंगे तो ये जो हुआ ना इसको बोलेंगे नॉस्त्रो यानी कि हमारी मनी तुम्हारे बैंक में हमारे लिए वो नॉस्त्रो होगा और उनकी मनी हमारे बैंक में वो होगा वॉस्त्रो ठीक है नॉस्त्रो वॉस्त्रो आगे बढ़ते हैं विच द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाई अ मस्कीटो बाइट निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है एलिफेंटियासिस डेंगी मलेरिया या फिर हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होती है यानी मच्छर यहाँ पे एक तरह का वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है वेक्टर आप समझते हैं वेक्टर मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज़ फैलती है जिसके थ्रू फैलती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर ठीक है पैथोजेंस क्या होते हैं पैथोजन्स होते हैं जो आपके डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे वायरस हो गया बैक्टीरिया हो गया प्रोटोजोआ हो गया फंगस हो गया क्लियर अब अगर हम बात करें डेंगू और मलेरिया तो हर कोई जानता है कि मस्कीटो से फैलता है और जल्दी से बताइए पता मस्कीटो मस्कीटोज़ का नाम क्या जिससे फैलता है अगर हम बात करें हैपेटाइटस हेपेटाइटस ये किसी मस्कीटो की वजह से नहीं फैलता है एलिफेंटियासिस भी आपका मस्कीटो की वजह से फैलता है पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम डेंगू और मलेरिया को देख लेते हैं तो सबसे पहले तो डेंगू की रिगार्डिंग हमें ये होना चाहिए कि ये एक वायरल बीमारी है ठीक है वायरल फीवर है ये वायरस की वजह से होता है और यहाँ पर जो मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फीमेल एडीज एजिप्टी ठीक है फीमेल एडीज एजिप्टी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए मस्कीटो वहीं अगर हम बात करें मलेरिया के लिए तो मलेरिया ये एक प्रोटोजोआ की वजह से डिजीज़ होती है तो पैथोजन या प्रोटोजोआ है कोई बता सकता है एक कौन सा प्रोटोजोआ है उसका नाम भी पी से चालू होता है ये होता है आपका फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो और अच्छा ये बताइए कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो हम क्यू नाइन करके दवाई बनाते हैं ये क्यू नाइन किस पेड़ की छाल से बनती है और वो जो पेड़ है वो किस तरह के फॉरेस्ट्स में हमें देखने को मिलता है तो प्रोटोजोआ यहाँ पे प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम है ठीक है अच्छा प्लाज्मोडियम जो होता है ना प्रोटोजोआ इसका मैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही बता देता हूं तुम्हें तो कि इसमें कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें होता है मल्टीपल फिजन ठीक है मल्टीपल फिजन करके इसमें रिप्रोडक्ट एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिजन ठीक और अगर हम बात करें आ, यहां पे किसकी Uh, किसकी छाल से बनता है तो ये सिंचोना करके आपका होता है ठीक है सिंचोना जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है याद करो सिंचोना है ना एवरग्रीन मैंने आपको बताया था रोजवुड एबनी माहोगनी सिंचोना एनी ये सब कहाँ मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं जहां पे 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जहां पे ठीक है तो अब यहाँ बात कर लेते हैं एलिफेंटियासिस की तो जो एलिफेंटियासिस जिसको एलिफेंटियासिस फाइलारिसिस भी बोलते हैं एक तरह की स्किन डिजीज़ होती है ये भी आपकी एनोफिलीस जो आ, होता है ना ठीक है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो उसकी वजह से होती है ठीक है और ये एक तरह के ध्यान रखना जो एलिफेंटियासिस होता है ये नीमाटोड्स की वजह से होता है नीमाटोड्स हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था निमाटोड्स ठीक है राउंड वाम्स ठीक है राउंड वाम्स की वजह से होता है जो कि आपके निमाटोट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हेपेटाइटिस आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी जो कि आपके लिवर को अफेक्ट करते हैं तो वो एक तरह से कोई मस्कीटो बाइट की वजह से नहीं होता है ठीक है हो सकता है कि वो आपका आ, अलग अलग तरीके से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर इन्फेक्टेड सीरेंज को यूज़ किया गया तो भी हो सकता है तो डिफरेंट उसके कॉजेज हैं लेकिन मस्कीटो की वजह से नहीं अखम लक्ष्मी देवी बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फोक डांस तो अखम लक्ष्मी देवी किस प्रकार के लोक नृ्य से संबंधित हैं सत्तरिया कथक मणिपुरी या फिर ओडिसी अखम लक्ष्मी देवी ठीक है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ इसी आ, फोक डांस से आपकी झावेरी सिस्टर्स भी बिलोंग करती हैं ठीक है झावेरी सिस्टर्स बिलोंग करती हैं इसी से ही आपकी बिम्बावती देवी भी बिलोंग करती हैं बिम्बावती देवी इसी से आपके बिलोंग करते हैं गुरु बिपिन सिंह अब बताइए कौन है कौन सा फोक डांस है यह तो ये है हमारा मणिपुरी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर होगा तो आपकी एक्सपोनेंट की डिक्शनरी में एक और वर्ड ऐड हो जाना चाहिए मणिपुरी के अंडर अखम लक्ष्मी देवी ठीक है क्लियर है सत्तरिय से आपको क्या याद आना चाहिए सत्तरिय से याद आना चाहिए भावना अंकिया नाट असम में होता है और से याद आपको याद आना चाहिए किसके बारे में याद आना चाहिए आपको हज़ारिका करके मैंने एक नाम बताया था आपको ठीक है और आपके जतिन दास ठीक है जतिन दास ये सब आपके सत्तरिया से रिलेटेड हैं कथक आप जानते है, माराज, माराज, हैं बिरजू महाराज लच्छू महाराज ये सब हमारे कथक से संबंधित हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस नीम लिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर बताइए सत्तरिया के फाउंडर हम किसको बोलते हैं उनका नाम भी एस से चालू होता है ठीक है तो प्लॉटर मॉनिटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर बार कोड रिटर इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है तो आउटपुट डिवाइस आप जानते हैं कि जिससे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देखने को मिलता है इनपुट क्या है कोई चीज हमने फीड करी आउटपुट क्या है कोई चीज हमें प्राप्त हुई दैट इज कॉल्ड एज एन आउटपुट तो प्लॉटर मॉनिटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर बार कोड रीडर तो प्लॉटर क्या होता अब है अब इसमें आई थिंक आसान क्वेश्चन है क्योंकि जो बार कोड रीडर होता है वो कुछ हमें क्या आउटपुट देता है क्या नहीं वो इनपुट लेता है ठीक है बार कोड रीडर तो ऑप्शन नंबर फोर्थ प्लॉटर की अगर बात करें तो ये प्लॉटर है प्रिंटर की तरह होता है प्लॉटर अब प्रिंटर और प्लॉटर में क्या डिफरेंस क्या होता है तो जो प्रिंटर होता है वो एक तरह का टोनर पड़ा होता है उसमें टोनर टोनर में आपका थोड़ा सा पाउडरी टाइप का सब्सटेंस पड़ा होगा उससे वो प्रिंट होता है या फिर प्रिंटर होते हैं जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसमें इंक पड़ती है उससे प्रिंट होता है लेकिन जो प्लॉटर होते हैं ना ये टोनर या फिर इंक का यूज़ नहीं करते हैं ये आपके इसमें होते हैं पेन पेंसिल वगैरह ठीक है पेन Pen, पेंसिल मार्कर इन सब का यूज़ करके प्लॉटर से हमें आउटपुट देखने को मिलता है बात करें ये जो आप देख रहे हैं डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर है ये ठीक है ये कुछ पिंस वगैरह का यूज़ करके पिंस और वायर्स का यूज करके ये प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ठीक है तो बार कोड रीडर किसी भी तरह का आपका नहीं होता और मोनिटर तो आप जानते ही वो तो आउटपुट डिवाइस है ही आपकी ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं नाइन्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड निकमें से किस तरीके से ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती रेडिएशन एंड कंडक्शन बहुत सिर्फ कंडक्शन सिर्फ कन्वेक्शन या फिर सिर्फ रेडिएशन बताइए इसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है तो हीट ट्रांसफर हमारा तीन तरह से होता है तो कंडक्शन होता है हमारा ठीक है कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन है ना तीन तरह से आपका हीट ट्रांसफर होता है चालन संवहन और विकिरण हिंदी में आपके टर्म्स लिखे हुए हैं कंडक्शन क्या होता है कंडक्शन होता है जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है और ये हमें सॉलिड में देखने को मिलता है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई फ्लेम जल रही है ठीक है और यहाँ पे आप एक कोई आयरन रॉड लेके आते हैं ये फ्लेम में आपने आयरन रॉड को लगा रखा है ये पार्ट तो हीट हुआ लेकिन धीरे 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 कंडक्शन के थ्रू इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इस हीट को इस एंड में भी ट्रांसफर कर देंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन कन्वेक्शन में क्या होता है कन्वेक्शन ये यूजली आपको एयर एयर में देखने को मिलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ सरफेस है ठीक है मैंने छोटा सा यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ ड्रॉ किया तो यहाँ पे हमारी जो अर्थ सरफेस है वो काफ़ी गर्म है ठीक है हमारी अर्थ मान लेते हैं अभी जैसे कि काफ़ी गर्मी पड़ रही है इस समय तो ये अर्थ की सरफेस उस इंसोलेशन से काफ़ी गर्म हो गई मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थ सरफेस है वो इंसॉलेशन से हीटप होती है बट अर्थ की एटमोसफियर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट अप होता है तो ये इंसॉलेशन से हीट हो गया अब ये काफ़ी हीट हो गया इसके पास की जो एयर है जो कॉन्टैक्ट में है अर्थ से वो हीटअप हो जाएगी ड्यू टू कन्वेक्शन क्यों क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट है तो वो हीट अप हो जाएगी कन्वेक्शन के थ्रू लेकिन अब ये जो ये जो लेयर हीट अप हो गई ठीक है अब ये मान लेते हैं पूरी लेयर को यहां तक की लेयर को हीट अप कर देती है वो फिर रेडिएशन की वजह हो से होगा क्या इसका और इसका आपस में क्या कोई कॉन्टैक्ट था नहीं था जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं आपने लैम्प से पढ़ाई करी है, है? किस किस ने यहाँ पे लैम्प से पढ़ाई करी जो इस तरह का लैम्प आता था है? किस किस ने जो यहाँ पे वो फिर बत्ती रहती थी, थी उसमें एक और ऐसे करके लैम्प रहता था तो आपने ये ऑब्जर्व किया हुआ जब आप पढ़ते थे बैठ के कि आपका मुंह पूरा पसीना पसीना हो जाता था है ना होता था कि नहीं मतलब कोई लाइट सोर्स के पास अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आप बहुत ही आप एकदम बहुत ही वो उसके सराउंडिंग एरिया काफ़ी गर्म लगता था क्यों लगता था ठीक है अब आपको पसीना उसने क्यों छुड़वा दिए वो भी रेडिएशन की वजह से हुआ आपका मुंह आपने तो नहीं चपकाया ना कि उसने हीट ट्रांसफ़र कर दिया वो रेडिएशन के थ्रू हुआ जैसे अर्थ सरफेस की जो कॉन्टैक्ट मिलयर थी वो तो कन्वेक्शन की वजह से हीटअप हुई लेकिन रेडिएशन में क्या हुआ विदाउट एनी विदाउट एनी टाइप ऑफ इसमें कोई मीडियम का कॉन्टैक्ट नहीं था तो आंसर यहाँ पे फोर्थ होगा रेडिएशन यानी कि विकरण आगे बढ़ते हैं विच ईयर वॉज दी आर्म्स एक्ट डिस अलाउंग इंडियंस फ्रॉम पोजेजिंग आर्म्स पास्ट भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला सस्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था 1876, 1878, 1877 या फिर 1875 तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कई बार कर चुके हैं इसका सही आंसर क्या होगा क्या चीज अच्छा सही आंसर क्या होगा याद करिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में ठीक है वर्नेकुलर प्रेस एक्ट भी इसी साल पास हुआ था है ना कौन सा साल था 1878 तो इस समय कौन होगा वॉइस रॉय वही लिटन ठीक है अच्छा बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म कब हुआ था तो आर्म्स एक्ट आप ये हम लोग पहले ही सारी चीजें कर चुके हैं कि आर्म्स एक्ट का मतलब कहता है मतलब कि डिसअलाउिंग इंडियंस फ्राम प्रोजेसिंग आर्म्स पास्ट यानी कि जो जो भी इसमें आर्म्स एक्ट में लिखे हुए थे कि ये हथियार नहीं रख सकते तो इंडियंस वास्थित हथियार नहीं रख सकते हैं ठीक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज है तो जो लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए कि अगर वो कोई भी चीज़ ऐसी सेडिटरी uh, एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए पास किया गया था और इसको खत्म किया गया था 1882 में रिपन के द्वारा ठीक है 1882 में इसको रिपील किया गया था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इन दी हायर लैटीट्यूड फिफ्टी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री ऑफ नॉर्दन एमोस्फेयर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड दीज आर सो कॉल्ड एज उत्तरी गोलार्ध में उच्च उच्च अच्छांशों में फिफ्टी टू डिग्री फिफ्टी डिग्री टू 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं देख रहे हो शंकुधारी नहीं शानदार शंकुधारी इन्हें डैश भी कहा जाता है फेल्ट टंड्रा लानोस या फिर टाइगा बताइए जल्दी से एटलीस्ट दो ऑप्शन तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना कौन से दो ऑप्शंस पहला और तीसरा क्यों क्योंकि आपको पता है फेल्ट ये साउथ अफ्रीका के जो ग्रास लैंडस हैं उनको बोलते हैं फेल्ट साउथ अफ्रीका के जो ग्रास लैंडस हैं जो घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं फेल्ट लानोस हम बोलते हैं वेनेजोला के ग्रास लैंडस को वेनेजोला के ग्रास लैंड को तो ये फॉरेस्ट की क्वेश्चन में बात कर रहा है ये तो ग्रास लैंड है ठीक है और वेनेजुएला 50 डिग्री सिक्स टू सेवेंटी डिग्री तो नॉर्थ पाया नहीं जाता ये तो इक्वेटर के पास पाया जाता है और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में तो 50 डिग्री तो सेवेंटी टू सेवेंटी डिग्री में तो नहीं है ठीक है टुंड्रा होगा या टैगा होगा और ये मैंने आपको बताया था जो शंकुधारी वन होते हैं वही मिलते हैं शंकुधारी मतलब इस तरह से शंकु के शेप में कौन के शेप में क्यों ताकि यहाँ पे जब बर्फ पड़े ना तो जब बर्फ पड़े तो बर्फ ये गिर जाए तुरंत उसमें ऐसे नहीं है कि उसमें लद जाएगी बर्फ तो पेड़ गिर जाएगा उस पर काफी वेट पड़ेगा तो ऑब्वियस ये बात है जहाँ बर्फ पड़ती होगी तो उसको हम ट्राउट टाइगर बोलते हैं टूड्राओ टाइगर मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था ये डिफरेंस बताया था जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और नीचे सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ तो यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट टाइप देखने को मिलेगा आर्कटिक सर्कल के अराउंड ये होगा आपका टैगा ठीक है ये होगा आपका टैगा और एकदम जो पोलर एरियाज में यहाँ पे मिलेगा आपको दैट विल बी टुंड्रा ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं कि टैगा टैगा में थोड़ा बहुत वेजिटेशन देखने को मिलेगा टुंड्रा में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन रहते हैं यहाँ पर ठीक है और ये जो टैगा वाला है ना याद रखना टैगा वाला सदर्न एमोस्फेयर में नहीं मिलता क्यों क्योंकि इसी इस लैटिट्यूड पर यानी फिफ्टी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री पे यहाँ पर कोई लैंड मास है ही नहीं इसलिए यहाँ पे टैगा आपको सदर्न एमोस्फेयर में देखने को मिलेगा ही नहीं टैगा का मतलब होता है रशियन ये वर्ड है टाइगा जिसका मतलब होता है अनटचड जिसको छुआ ना जा सके ठीक है क्योंकि काफी एक्सट्रीम कंडीशंस पे ये भी होते हैं तो 50 डिग्री टू 70 डिग्री बात कर रहा है आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर फोर्थ टाइगा ठीक है कॉनी फॉरेस्ट की अगर बात करें तो किस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा चिर पाइन सिडार ओक है ना मैपल बीच ये सब देखने को हमें मिलेगा वेजिटेशन इस तरह के फॉरेस्ट में और यहाँ पे आपको सॉफ्टवुड ट्रीज़ देखने को मिलते हैं हार्डवुड ट्रीज़ कहाँ देखने को मिलेंगे जल्दी जल्दी से बताइए तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवुड ट्रीज देखने को मिलते हैं जो आपको मैच स्टिक्स वगैरह बनती है ना वो इन्हीं सॉफ्टवुड ट्रीज़ के ही उससे बनती है ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ फाइल इन एम एस वर्ड थ्री सिक्सटी फाइव एम एस वर्ड तीन में फाइल को सेव करने के लिए इनमें से किस शॉट शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं ऑल प्लस एस ऑल प्लस एफ कंट्रोल प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस एफ किसका यूज़ करते हैं सेव uh, करने के लिए फ़ाइल को तो यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एस को कल्ट प्लस एस की अगर हम बात करें इसको यूज़ करते हैं स्लाइड शो में को यूज़ करने के लिए जो पीपीटी में स्लाइड शो सेटिंग्स खोलने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस एस का और ऑल्ट प्लस एफ़ की अगर बात करें तो टू ओपन अ फाइल मेन्यू फाइल मेन्यू को खोलने के लिए इसका यूज़ करते हैं और कंट्रोल प्लस एफ़ की बात करें टू ओपन सर्च सर्च बॉक्स इसको ये आपका जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पे आके वहाँ पे आके खुल जाता ही है ये कंट्रोल प्लस एफ क्लियर है जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या हाँ हार्डवुड ट्रीज़ आपको कहाँ देखने को मिलते है तो हार्डवुड ट्रीज़ का याद रखना एक सेकेंड हार्डवुड ट्रीज़ आपको देखने को मिलते हैं जो आपका एवरग्रीन होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसीडूवस में भी देखने को मिल जाते हैं ठीक है वैसे प्राइमरि एवरग्रीन में देखने को मिलते हैं ठीक जैसे कि रोज़वुड हो गया हमारा थर्टीनथ पे आते हैं दुस्का इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम ऑफ स्टेट ऑफ डैश पंजाब झारखंड केरल या फिर आंध्र प्रदेश अभी पता चल जाएगा कि किस स्टेट के कितने लोग हैं देखते हैं भाई किसको पता है दुस्का के बारे में यहाँ पर ठीक है थीके? और सभी लोग लाइव लाइक वाइक कर देंगे सेशन को ठीक है कंट्रोल प्लस एस तो ये कोई बता सकता है हैं ये है चलो मैं दिखाता हूँ ठीक है ये है आपका दुस्का बेटा हप्पू लार नहीं बहाना है ठीक है तो ये एक तरह का काफ़ी फेमस मील है कहाँ का जैसे यहाँ पे इंडिया यूपी बिहार वगैरह में समोसा चलता है वैसे धुस्का चलता है आपका झारखंड में ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है सेकंड इसका सही आंसर होगा मन तो कर रहा होगा है ना इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ ऑब्जर्वड ऑन क्या सर पूरा ध्यान भंग कर दिया आपने <laughs> सबका तो नहीं हुआ होगा लेकिन काफ़ी लोग हैं अप्पू सिंह जैसे है ना अंतर्राष्ट्रीय बाग दिवस डैश पर मनाया जाता है फिफ्थ जुलाई थर्टी जुलाई ट्वेंटी जुलाई या फिर फोर्थ जुलाई बताइए इंटरनेशनल टाइगर डे और इस बार और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में अभी अप्रैल अप्रैल करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स आपको कल मिलेंगे तो में आप देखना अब अप्रिले करेंट देखने को मिलेगा कि आ, टाइगर सेंसस अभी आ, रिलीज किया गया पीएम मोदी के द्वारा ठीक है टाइगर सेंसस टाइगर्स की एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में भी उसको बताया गया और कुछ और वहां पर डेटा और फैक्ट्स हैं तो टाइगर डेज याद रखना ये ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं किस तरह से देखा था हमने इस तरह से देखा था कि 29 जून को हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं जरा बताइए क्या सेलिब्रेट करते हैं किसके जन्मदिवस पर सेलिब्रेट करते हैं फिर मैंने बताया था जस्ट एक महीने बाद 29 जुलाई को हम टाइगर डे मनाते हैं अब टाइगर डे से हमें वही टाइगर सेंसस याद आना चाहिए तो करंट एट प्रेजेंट जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना एट प्रेजेंट जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इस बार आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं तो याद रखना तकरीबन 3167 ये है एग्जैक्ट टाइगर की करंट पॉपुलेशन और अगर बात करें मतलब टाइगर्स ये भी एक डेटा है कि अठारह से लेके 1925 तक कितने साल हो गए बताइए अट्ठारह से लेके 1925 उन्नीस अस्सी हज़ार टाइगर्स मारे गए थे ये अंग्रेज़ों ने एक खूनी खेल खेला था पोचिंग करते थे महाराजा बन के जाते थे और वहाँ पे मारते थे एन किताब खोल के देखोगे मुझे पता नहीं कौन सा एन कौन सा चैप्टर है लेकिन एकदम उसमें दिखाया गया लाइन से राजस्थान का है वो लाइन से जाने कितने 20-25 टाइगर्स पड़े हुए थे बंदे ने इतने सारे टाइगर्स एक टाइम पे मार डाले थे कितने होते होंगे और कितने और अभी देख लो तो ये वेस्टर्न्स कितनी मतलब बात करेंगे कंजर्वेशन की इन्वायरमेंट सेव करने की और गंदगी इन्होंने ही मचाई है पूरी ठीक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पर खैर तो यहाँ पर टाइगर्स के रिगार्डिंग आपको ये भी याद आना चाहिए कि नाइनटीन में उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया था कौन थी प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी के टाइम पर यह लॉन्च किया गया था उन्नीस तिहत्तर में और प्रोजेक्ट एलिफेंट बताइए तो 29 जून को हम मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे यानी सांख्यिकी दिवस मनाते हैं क्यों क्योंकि इसी दिन जन्म दिवस होता है पीसी महालनोबिस का ठीक है पीसी सी महालनोबिस इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट ठीक है प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये लॉन्च हुआ था नाइनटीन में ठीक और नाइनटीन '92 से आपको कुछ और याद आ रहा है बताइए फिर यहाँ पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेज आप बताइएगा एलेवेंथ जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं और कारगिल विजय दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं ठीक है कारगिल विजय दिवस कब हम सेलिब्रेट करते हैं और आज ही कौन सा दिवस है जरा ये बताइए आज कौन सा दिवस है एलेवेंथ जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं पॉपुलेशन डे ठीक है जनसंख्या दिवस पॉपुलेशन डे और कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को है ना बेटे को पहले थे अपने और फिर अगर हम बात करें आज कौन सा दिन है आज है फाइव जून और 5 जून यानी कि एनवायरमेंट डे ठीक है पर्यावरण दिवस ठीक है अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं बताइए जरा अर्थ डे और कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से बताता हूँ 22 मार्च को याद रखना वाटर डे मनाते हैं और 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे ठीक है अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को और 22 मार्च को वाटर डे पहला वाटर सेंसस आ, वाटर सेंसस हमारे यहाँ पे लाया गया है जरा बताइए वाटर सेंसस जो हमारा पहला अभी पब्लिश हुआ है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बो, वाटर बॉडीज किस स्टेट में और सबसे कम कहाँ ये मैंने आपको बताया था, था जो मैं के करंट इंटरफेस करवाया था जल्दी से बताइए सबसे ज्यादा कहाँ पे और सबसे कम कहाँ पर वाटर से याद आना चाहिए देश का पहला वाटर मेट्रो ठीक है अब मेट्रो से याद आया तो वाटर मेट्रो देश का सबसे पहला कहाँ पे खुला अंडर वाटर अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई गई थी सबसे पहले और डीपेस्ट मेट्रो ठीक है डीपेस्ट मेट्रो तो वाटर से हम लोग मेट्रो में ट्रांसफर हो गए तो भाई वाटर मेट्रो अभी हम शायद अप्रैल के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे कि केरल के हैं ठीक है वो मैं करवाने वाला नहीं हूँ पी देने वाला हूँ ठीक है उसकी ठीक है अंडर वाटर मेट्रो की अगर बात करें तो ये सबसे पहले आपका कोलकाता में चला था ठीक है कोलकाता और डीपेस्ट मेट्रो और ये सब अभी की न्यूज है पिछले साल की ये पुणे सिविल कोर्ट ठीक है पुणे सिविल कोर्ट में डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन ठीक है और क्या पूछा था यहाँ पे चलो और कुछ यहाँ वाटर बॉडी सेंसस ये हम लोगों ने याद किया था वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर बॉडीज हैं और सबसे कम है सिक्किम में विच ऑर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक दी कंटेंट्स ऑफ अ सेल अंडर लाइंड इन एम एस एक्सएल तीन सौ पैंसठ तो एम एस एक्सएल थ्री सिक्सटी फाइव जो है उसमें अगर हमें सेल की सामग्री अब सेल क्या होता है आप जानते हैं ना एक एक ऐसा जो डब्बा होता है ठीक है उसको हम सेल बोलते हैं कि मैं <laughs> ये एक्चुअली एक्सेल है कि सामग्री को रेखांकित करने के लिए नेम में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस सिक्स थ्री टू या फिर फोर बताइए किसका यूज करते हैं अगर हमें मान लेते हैं अंडरलाइन करना है किसी चीज को तो तो यहां यूज करते हैं कंट्रोल प्लस फोर का हम ठीक है कंट्रोल प्लस टू या फिर इट इज इक्वल इक्विवेलेंट टू कंट्रोल प्लस बी आल्सो ये आपका एक तरह से, से सेकंड जो टैब होता है उसको एक्टिवेट कर देता है ये ठीक अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस थ्री की तो ये टेक्स्ट को इटली साइज कर देता है इटैलिक लैंग्वेज इटैलिक स्टाइल में लिख देता है ठीक है इटली साइज साइज द टेक्स्ट कंट्रोल प्लस फोर हो गया आपका अंडरलाइन लाइन कंट्रोल प्लस फाइव में अगर बात करें यहाँ पे फाइव नहीं है ना तो फाइव भी ऐड कर लो कंट्रोल प्लस फाइव ये क्या करता है स्ट्राइक थ्रू जैसे आपने कुछ लिखा जैसे ये लिखा ठीक है इसके ऊपर एक ऐसी लाइन बन जाएगी दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइक थ्रू स्ट्राइक थ्रू और कंट्रोल प्लस सिक्स और एक चीज़ आपसे पूछनी थी ठीक है टू स्विच टू द दिक्स टैब और वो चीज़ ये है कि क्या आप लोगों को एक कंप्लीट कंप्यूटर का वीडियो चाहिए क्या और क्या इंग्लिश के पुष्पेंद सर अगर आप लोग बोलेंगे तो पुष्पेंद सर से मैं इंग्लिश के एस एस सी जी एग्ज़ाम तक इंग्लिश के मॉक्स कुछ ऐसा टाइप में uh, चलावा सकता हूँ अगर आप लोग बोलें तो ठीक है और वो भी फ्री ही रहेगा अगर मैंने वादा किया कुछ भी तो वो फ्री ही रहेगा उसका चिंता मत करिएगा ठीक है फ्री रहेगी सारी चीज़ें इंग्लिश के मॉक्स तो आप एक बार पुष्पें सर के लेक्चर्स देख लीजिए पढ़े हैं ठीक है चैनल पर तो फिर आप बता दीजिए जैसा भी हो है ना तो इंग्लिश के भी स्टार्ट हो जाएंगे ये कि मतलब जो भी कंटेंट है आप काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा अमन सर के भी पढ़े हुए हैं ठीक है और अमन सर का जो है अभी ज्वाइनिंग भी करने वाले हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनकी जॉब भी लग चुकी है तो आप आप लेक्चर्स देखिएगा उसमें ठीक है प्ले उसमें पढ़े होंगे चैनल पे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा कि मतलब जितने भी उन्होंने करवाए हैं ठीक है चाहे वो डिफेंस के लिए करवाया है चाहे इसमें डेली पुलिस के लिए उन्होंने करवाया था सारे क्वेश्चंस उससे बेटर मतलब ऐसे कमेंट्स आप पढ़िएगा मैं नहीं बोल रहा हूँ कमेंट्स जाके पढ़िएगा ठीक है हाँ कंप्यूटर प्लीज़ सर सर कंप्यूटर और इंग्लिश का हाँ बोर्ड का नाम है नोस्टालजिया वॉइस बोर्ड का नाम है ठीक है वो मुझे भी पता है बोर्ड का नाम है अब तुम उसको चेपे दे रहे हो वहीं पे बार बार स्पैम किए मार रहे हैं कंप्यूटर कंप्यूटर ठीक चलो आगे बढ़ते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी एनसीआरबी का पूर्ण रूप बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे डेली पुलिस में आया था इंग्लिश भी चाहिए अच्छा तो भाई देखो सारी चीज़ें आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती हैं एज एज सिंपल एज दैट ठीक है as, as as that, तो मैं कोशिश कराऊँगा स्टार्ट करने के लिए ठीक है तो देखो मेरे लिए टफ तो है मुझे आप लोगों को पता है टफ तो है मेरे लिए इसलिए टफ है बिकॉज <laughs> सिंपल है ठीक है आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू एनी कोई मनी के लिए मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ ठीक है तो वो टफ है मेरे लिए लेकिन बस यही है कि मैं वो फिर वो आपको फील नहीं होने नहीं देना चाहता हूँ कि भाई शुरू में बोला था कि फ्री होगा तो अगर मैंने जीके के लिए फ्री मुझे पता है मैंने सिर्फ जीके के लिए फ्री बोला था लेकिन पूरा सब कुछ ही रहेगा वो ठीक है बट आपका रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है खैर अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसका फुल फॉर्म होता है और अगर इसकी बात करें कब सेटअप हुआ था तो 1986 में सेटअप हुआ था और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है मोहा ठीक है इसके अंदर आता है और इसका अगर हेडक्वाटर की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा डेली में इसी तरह आपका अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो जो भी हमारे क्राइम हो रहे हैं कि भाई मान लेते हैं कि पिछले साल कितने इंडिया में क्राइम हुए कितने रेप हुए कितने चोरियाँ हुई कितनी ये सब हुए वो सब हमारा जो पूरा डेटा है वो एन के द्वारा तो रिलीज़ होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ऐसे ही हमारा एन होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या आई थिंक सबको पता होगा ये का सेटअप हुआ था 1993 में और हमें ये याद रखना कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है स्टैट्यूटरी मतलब एक लॉ के थ्रू बनी है ये आपकी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है एग्जीक्यूटिव एक तरह से एन और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है सिर्फ स्टैट्यूटरी है ठीक है आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग दी बैंक रिजर्व तो बैंक रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा है कौन सा सही है ऑप्शन आपके सामने हैं बहुत ही कायदे से इसका आंसर दीजिएगा कहते से मतलब ध्यान से पढ़ के दीजिएगा दीज रिजर्व आर कैप्ट पार्टली एज कैश एंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैश रिजर्व रेशियो आर डिपॉजिट्स विच कॉमर्शियल बैंक कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपर इजी क्वेश्चन है जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ठीक है और मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है ना इस बार आप गर्दा उड़ा के आने वाले हैं पेपर में मुझे ऐसा पर्सनली फील आ रहा है और वो हो ही रहेगा और अगर तुमसे गर्दा नहीं उड़ा तो सबकी सबकी लगेगी फिर वाट लगेगी कादे जैसे मैं अब ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ मैं मतलब काफ़ी सारे पेपर्स एनालाइज़ करता रहता हूँ फिर मैं देखता हूँ ये भी हो चुका है ये भी हो चुका है कुछ बचा ही नहीं है ये टाइप है मतलब कुछ इक्का दुक्का चीज़ें ही नहीं अब देखने को मिलती हैं ठीक है तो बैंक रिजर्व की अगर बात करें तो हमें पता है कि बैंक मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि आर बी बैंक्स को बोलता है कि रिजर्व रखो कुछ अपने पास क्यों रखो उसका पूरा रीजन मैंने आपको समझाया था दो तरह के रिजर्व होते हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एस एल का मैंने क्या बताया था सिर्फ कैश में होता है जो एक तरह से देखो होता क्या है ना मैं आपको रुको पहले इसको बता लेते एस एल आर स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो एक कैश के फॉर्म में भी हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी हो सकता है गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है लेकिन क्योंकि इसमें रिटर्न मिलते हैं इसमें कोई रिटर्न नहीं इसमें कुछ रिटर्न मिल जाता है इंटरेस्ट के रूप में इसलिए वो क्यों ही कैश के फॉर्म में रखेंगे है ना तो दीज रीजन्स आर कैप्ट पार्टली एज कैश एंड पार्टली इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अगर यहाँ उसने सी और एस स्पेसिफिकली कोई बात थोड़ी ना करी है तो इसलिए पार्टली एज कैश सी आर आर पार्टलिंग दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह तो वो हो गया हमारा ठीक है कैश रिजर्व रेशन और डिपॉजिट्स विद विच कॉमर्शियल बैंक कीप विथ आर बी आई अब आपको मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ओनली वन मारा होगा तो इसलिए मारा होगा तो आपको लगा होगा कि सी आर आर तो बैंक अपने पास रखते हैं आर बी आई के पास थोड़े रखते हैं तो एक्चुअल में वो रखते हैं अपने पास ही लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है इकोनॉमिक्स में वो ये होती है कि ये लोग रिजर्व बैंक के पास रखते हैं लेकिन एक्चुअल में आर बी आई उनसे खुद बोलता है कि अपने पास रखू वो हम चेक करेंगे ठीक है कभी भी आके चेक कर लेंगे नहीं रखें ना तो याद है ना क्लास से बाहर निकाल देंगे ठीक है तो इस तरह का होता है सी और एस कि वो आर के पास रखते हैं ठीक है ठीके? आगे बढ़ते हैं हु रोट दी और ये हमारे एक तरह के मोनिटरी पॉलिसी टूल्स हैं अच्छा बताइए जल्दी से अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में उसको कम करना है नीचे खींच के लाना है तो सी आर आर और एस एल आर को बढ़ाना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो बताइए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं हु रोट द बुक फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है अमिताभ कांत ने लिखी है अरुंधति रॉय ने लिखी शशि थरूर ने लिखी या फिर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी बताइए जल्दी से फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी और अरु, आ, ये बात करें अमिताभ हाँ बिल्कुल अमिताभ कांत की अगर कर बात करें और रस्किन बॉन्ड की तो इनके बारे में अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा था मेरे करंट अफेयर्स में है ना इन्होंने रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है गोल्डन ईयर्स ठीक है गोल्डन ईयर्स करके इन्होंने बुक लिखी है जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड एंड लॉन्ग लाइफ ये इन्होंने बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने ठीक है और और भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी सारी बुक्स लिखते रहते हैं रहते हैं लेकिन जो अभी मे के महीने में लिखी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट में लिखी है ठीक है अमिताभ कांत जो पूर्व सी ई ओ थे नीति आयोग के इन्होंने किताब लिखी थी मेड इन in इंडिया जो रिसेंट में किताब लिखी मेड इन इंडिया पूरा नाम है मेड इन इंडिया 75 फाइव ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज ठीक है बट शॉर्ट में याद रखना है मेड इन इंडिया और गोल्डन ईयर अच्छा जल्दी से बताइए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो इस बार का मिला है वो किस बुक के लिए मिला है किसको मिला है ठीक तो फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी अरुंधति रॉय की किताब है और इनकी और कुछ कुछ किताबें हैं जैसे कि हमने पढ़ा था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जिसके लिए इनको बुकर प्राइस मिला था पहली इंडियन थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ठीक है और इनकी कौन सी बुक है अगर हम बात करें जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड ऑर्डिनरी हैप्पीनेस एंड ऑर्डिनरी मीन्स गाइड एंड ऑर्डिनरी मीन्स गाइड टू एम्पायर ये इन्होंने किताब लिखी ठीक है और द कॉस्ट ऑफ लिविंग किताब तो बहुत सारी है इनकी लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाली है वो हमें याद रखनी है दी कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक क्या चीज़ अच्छा गलत है हाँ कुछ लोगों ने सही सही बताया बिल्कुल ठीक है तो मैंने कल आपको बताया भी था कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है इस बार का ठीक है जो इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो किस तरह से आप याद रख सकते हैं जो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का है कि ये जी जी को मिला है जी जी मतलब जॉर्जी गॉस करके ऐसा कुछ नाम है ना गोस पोंडनोव कहाँ के हैं बुल्गारिया के हैं पहले बुल्गारिया ने जिनको ये मिला है किसके लिए मिला है किस बुक के लिए मिला है द टाइम शेल्टर ठीक है द टाइम शेल्टर आई थिंक नहीं है सिर्फ टाइम शेल्टर ही है टाइम शेल्टर याद रखिएगा इसको है? तो पे आते हैं, में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग नौ के अंतर्गत आता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स पार्ट नाइन के तहत क्या आता है भाग नौ बहुत आसान है आंसर इसका आप सभी जानते हैं पंचायत ठीक है तो हम लोगों ने कर रखा है 243 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक आपको ये बताना है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट संघ और राज्यों के बीच संबंध किस में आते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज किस उसमें आते हैं पार्ट uh, में और फाइनेंस प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट सूट ये किस पार्ट में आते हैं तो अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट तो ये पार्ट नंबर एलेवेंथ में आते हैं ठीक है शड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात करें पार्ट नंबर टेन में आते हैं ये ठीक है और फाइनेंस प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की अगर बात करें पार्ट नंबर ट्वेल्व में आते हैं ठीक है और इस पर बेस्ड एक इस बार आई थिंक यू पी पी में भी क्वेश्चन आया था ठीक है तो देख सकते हैं ये पार्ट टेन में आता है शेड्यूल ट्राइबल एरियाज इलेवन में आता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशन अच्छा ये बताइए शेड्यूल कौन सा है कौन सी अनुसूची है जो हमारा यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन को दर्शाती है कौन सा शेड्यूल है जल्दी से बताइए

तो आपको ही पता है जो पार्ट वन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर वन से लेकर फोर तक जाता है ये बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी की ठीक है संघ व वा, संघ व उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ठीक आर्टिकल वन क्या बात करता है आर्टिकल वन बात करता है इंडिया दैट इज़ भारत शैलबी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूनियन ऑफ स्टेट बट पूरा क्या है इंडिया दैट इज़ भारत शैल शैलबी यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया दैट इज भारत क्यों लिखा क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे इंडिया नेम लिखो कुछ लोग बोल रहे थे भारत एंशियन नेम लिखो लेकिन दोनों का वो रख दिया गया नाम इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे ये यह आपको बस याद रखना है कि ये ब्रिट जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का वो नहीं है अमेरिका में किस तरह का फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जो स्टेट्स है ना बहुत ध्यान से सुनिएगा ये स्टेटमेंट बन के आ जाता है खासकर टीयर टू के लिए पोटेंशियल क्वेश्चन है ये कि जो वहाँ पे स्टेट्स है ना राज्य हैं कहाँ के अमेरिका के वो एक एग्रीमेंट के तहत बंधे हुए हैं आपस में वो चाहें तो अलग हो सकते हैं ऑब्वियस ये बात इतना अलग नहीं है आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है इंडिया में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इंडियन स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है दैट इज टू से इंडियन यूनियन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन दी डिफरेंट स्टेट्स तो इसीलिए यहां पे इंडिया जो है हमारा एक तरह से इसको बोलते हैं मैं लिख देता हूं इंडिया इज अ इंडिया इज अंडिस्ट्रक्टिबल इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स यानी कि यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं टूट सकते हैं टूटते भी हैं देखो यूपी से ही टूट के बना उत्तराखंड एमपी से टूट के बना छत्तीसगढ़ बिहार से टूट के बना झारखंड ये सब टूटे ही तो हैं यूनियन कभी नहीं टूट सकता है भारत का ये ठीक है स्टेट टूट सकते हैं इसीलिए ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल वन का मतलब क्या फिर अगर हम आर्टिकल टू में आते हैं वो क्या बात करते हैं आर्टिकल टू ही एक्चुअली बात करता है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की आर्टिकल थ्री क्या बात करता है आर्टिकल थ्री बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स काफी सिमिलर टाइप लगेंगे दो और तीन ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर या फिर ऑल्ट्रेशन की बात करता है ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है किसी चीज को चेंज करना बदलना किसको चेंज करना किसको बदलना ऑल्ट्रेशन हो सकता है बाउंड्री में स्टेट की उसके आपके बाउंड्री के अलावा उसके नाम में चेंज हो सकता है ये सारे कुछ आपको चेंज करने हैं तो आर्टिकल थ्री के तहत तो होगा दो और तीन में अंतर क्या होता है वो समझो टू बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स की ये बात करता है कि अभी कोई हिस्सा जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको अगर भारत का हिस्सा बनाना है तो आर्टिकल टू का यूज करते हैं इसमें आप की नोट कर लो फॉरेन टेरिटरी जैसे फॉर एग्जाम्पल पगला पाकिस्तान है इसको किसी दिन पे लेंगे पीओके ले लेंगे छीन के तो उसको एक भारत का सुंदर सा राज्य बनाएंगे मुकुट है वो हमारे इंडिया का तो उसको बनाएंगे जब ऐसे करके तो हम आर्टिकल टू का ही यूज़ करेंगे उस दिन जैसे हमने काफी जब हमारे यहाँ पोर्तुगीज थे गोवा में र, हो रखे थे ठीक है हमारे काफ़ी फ्रेंच कॉलोनीज़ थी तो उनको मार मार के भगाया यहाँ से तो हमने आर्टिकल टू का यूज़ करके उनको इंडिया में एक स्टेट का दर्जा दिया जैसे बात करते हैं सिक्किम सिक्किम को बताइए किस अमेंडमेंट से स्टेट एसोसिएट स्टेट हुड का दर्जा मिला था और कंप्लीट स्टेट हुड का दर्जा मिला था वो भी आर्टिकल टू का ही यूज़ करके उसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था इंडिया में लिया गया था आर्टिकल थ्री में क्या एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसकी बाउंड्री में चेंज करना है उसको तोड़ना है उसका नामकरण चेंज करना है जैसे कि मान लेते हैं जैसे हमारे योगी जी हैं ठीक है उनका मन होता है कि उत्तर प्रदेश नहीं अब सिर्फ राम प्रदेश के नाम से जाना जाएगा ठीक है तो फिर आर्टिकल थ्री का यूज़ होगा वहाँ पर लेकिन ये सारे काम ये सारे काम हमारा कोई स्टेट नहीं करेगा पार्लियामेंट करेगा देश का और पार्लियामेंट किस अमेंडमेंट ये इसमें क्या कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा नहीं आर्टिकल फोर चीख चीख के बोलता है कि जो भी आप आर्टिकल टू और थ्री के तहत चेंजेस करोगे दैट विल नॉट बी ट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट यानी इनको अमेंडमेंट संशोधन कंसिडर किया ही नहीं जाएगा मतलब एक तरह से इनको आर्टिकल 368 के तहत बहुत स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है अनुच्छेद अनुच्छेद तीन के तहत इनको अमेंडमेंट डील नहीं किया जाएगा तीन बोलता है कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कुछ केसेस में स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए कि एटलीस्ट हाफ ऑफ दी स्टेट्स आप रेटिफाई करो इस चीज़ को तभी उस चीज़ को चेंज कर सकते हो जैसे फंडामेंटल राइट्स है डी है इसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत चाहिए लेकिन जब और दो और तीन के तहत जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट को आर्टिकल थ्री के तहत नहीं रखते हैं ठीक और ये बताइए आर्टिकल 368 जो है ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और ये किस पार्ट में दिया हुआ है और बस इतना ही बता दो तो, और क्या इसमें जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है ठीक है जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो गया ठीक है और ये जब भी मैंने ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा था तो थर्टी अमेंडमेंट से मिला था थर्टी फिफ्थ से एसोसिएट स्टेट हुड का दर्जा मिला था और सिक्किम जो है पूरा स्टेट हुड का दर्जा मिला था थर्टी सिक्स अमेंडमेंट से ये चीज आपको याद रखनी है थर्टी फिफ्थ से स्टेट हुड असोसिएट स्टेटहुड और थर्टी सिक्स से कंप्लीट मिला आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट की बात करें जो कि अमेंडमेंट से डील करता है पार्ट नंबर ट्वेंटी में यहां पर मैं अलग से लिख देता हूँ इस चीज को ठीक है और ये अच्छी बात है कि सभी लोग एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी लोग के सही आंसर आ रहे हैं आंसर सही गलत है वो उतना मैटर नहीं करता लेकिन आप आंसर कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है ठीक है ट्वेंटी पार्टमेंट जर्मनी कौन लिख रहा भाई है भैया आई एम घोस्ट नहीं जर्मनी से नहीं साउथ अफ्रीका से लिया है ये हम लोगों ने इसमें ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है इस तरह के बिल में नो ज्वाइंट सिटिंग कोई संयुक्त तो बैठक इसमें पॉसिबल नहीं होती है ठीक है और इस तरह के अमेंडमेंट को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है जैसे कि हमें मनी बिल धन विधेयक के में चाहिए होती है ठीक है चलिए ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में ही आ सकता है राज्य में नहीं कहीं पे विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को बिस्मार्क का भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू किसको हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं जल्दी से बताइए बिस्मार्क भारत का बिस्मार्क तो सही आंसर इसमें क्या होगा सही आंसर होगा इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ बिस्मार्क एक्चुअली में जर्मनी से बिलोंग करते थे ये जर्मनी के रूलर थे और इन्होंने जर्मनी को एक तरह से कंठस्थ किया था कंठस्थ इन दी सेंस कि इन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया था तो इसी तरह हमारे इंडिया को किसने यूनाइट किया था डिफरेंट जो उसके टेरिटरीज थे उसको इंडिया में शामिल करने का काम क्रेडिट जाता है हमारे सरदार पटेल जी को जिन्होंने इसको लेके काफ़ी काम किया था ठीक है अच्छा जल्दी से आप ये बताइए कि देश बंधु हम किसको बोलते हैं देश बंधु ठीक है दीन बंधु किसको बोलते हैं और किसने बोला था ये देश बंधु इनको और पंजाब केसरी किसको बोलते हैं पंजाब केसरी लोकमान्य किसको बोलते हैं लोकमान्य तो अगर हम बात करें देश बंधु आप जानते हैं किसको चितरंजन दास जी को ठीक है चितरंजन दास देश बंधु गांधी जी ने बोला था ठीक है गांधी जी ने, ने इनको ये बोला था चित्रंजन दास दीन बंधु की बात करें एंड्री फ्रेजर या फिर चार्ल्स चार्ल्स फ्रीर एंड्रीव भी इसको बोलते हैं या फिर एंड्री फ्रेजर भी ठीक है दीन बंधु पंजाब केसरी लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी इनको जानते हैं वैसे तो और शेर ए पंजाब के नाम से आप, आपकी एक और एशियन हिस्ट्री की पर्सनैलिटी है जिनको हम बोलते हैं महाराजा रंजीत सिंह उनको भी शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था ठीक है तो याद रखना शेर ए पंजाब शेर ए पंजाब और लोकमान्य आप जान लोकमान्य आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है लोकमान्य के नाम से और इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था जरा बताइए भारतीय अशांति के जनक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट और तिलक जी के बारे में अगर चीज़ें रिकॉल करें तो इन्होंने क्या क्या दिए थे कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है उसको मैं लेकर रहूँगा मराठा केसरी दो न्यूज़पेपर थे मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था केसरी आपका मराठी लैंग्वेज में था होम रूल लीग की स्थापना करी 1916 में और और के तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना इन्होंने करी थी और और कुछ नहीं तो फादर ऑफ इंडियन एनवेस्ट इस ये बोला था वैलेंटाइन चिरोल ने ठीक है चिरोल नामक आदमी ने हरकत की थी आगे बढ़ते हैं वॉट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है सेवन फोर फाइव सिक्स किलोमीटर सिक्स थ्री सेवन वन किलोमीटर फाइव सिक्स वन किलोमीटर फिर फोर सेवन टू एट किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है तो हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा था अगर आपको याद हो क्रस्ट मेंटल कोर है ना तो जल्दी से इसको भी रिकॉल करते हैं कि क्रस्ट की थिकनेस कितनी है ठीक है मैंटल की थिकनेस कितनी है और कोर की थिकनेस कितनी है ठीक है तो क्रस्ट की हम लोगों ने क्या याद किया था क्रस्ट एक्चुअली दो तरह की होती है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक उसमें से मोटी कौन सी होती है कॉन्टिनेंटल लेकिन डेंसर कौन सी होती है ओशनिक तो ये अगर हम बात करें 20 से लेके 70 किलोमीटर तक इसकी विथ वैरी करती है माउंटेन्स वगैरह में ज्यादा होगी फिर से रिपीट करता हूँ पर्वतों में ज्यादा होगी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्रस्ट uh, की भू परपट्टी की सबसे ज्यादा थिकनेस कहाँ पे होगी तो हिमालय माउंट एवरेस्ट में होगी ठीक है तो 20 टू सेवन टू सेवेंटी किलोमीटर ये बात हो रही है कॉन्टिनेंट की और अगर हम बात करें ओशिनी क्रस्ट की तो फाइव टू टेन किलोमीटर होती है देख रहे हैं थिन है पतली है लेकिन अगर हम बात कर लें तो डेंसर है ठीक है डेंस होती है और बसाल्टिक रॉक की बनी होती है बसाल्टिक रॉक की बनी होती है कॉन्टिनेंटल आपकी बनी होती है ग्रैनेटिक रॉक की मेंटल की अगर बात करें जो बीच वाली आपकी लेयर होती है इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज़ तकरीबन 2900 नाइन किलोमीटर्स कोर की बात करें कोर भी आपका, आपका आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है तो आउटर कोर की अगर बात करें तो 2300 किलोमीटर तक थिकनेस बता रहा हूँ ठीक है अब ये मत समझ समझने लगना कि यहाँ से लेके कर यहाँ तक मतलब यहाँ पे कोर होती नहीं अगर वैसे गिनोगे कि भाई किस उस उतना जैसे कि क्रस्ट मेंटल कोर ये आउटर कोर ये इनर कोर ठीक है तो ये चीज़ बता रहा हूँ ये चीज़ है तेईस किलोमीटर ठीक है ये चीज़ है आपकी इनर कोर तकरीबन बारह किलोमीटर ये चीज़ बता रहा हूँ मेंटल ये यहाँ से लेके कर यहाँ तक उनतीस किलोमीटर है ठीक है वैसे अगर देखो कि यहाँ किस डेप्थ तक है अगर ऊपर से देखें तो तो फिर ये तकरीबन इक्यावन सौ किलोमीटर तक है लेकिन थिकनेस ही पूछा था इसलिए मैंने बताया और भी हमने हमने कुछ पढ़ा था इसके रिगार्डिंग याद करो हमने ये पढ़ा था और एक चीज़ लिथोस्फीयर की थिकनेस कितनी होती है जो स्थल मंडल होता है ना यहाँ पर लिख दूँ ठीक है लिथोसफियर की थिकनेस कितनी होती।, होती है लिथोसफियर जानते हैं ना पूरा का पूरा क्रस्ट और अपर अपरमेंटल वो आता है आपका लिथोसफियर में लिथोसफेयर एक प्लेट होती हैं सेवन मेजर प्लेट होती हैं कुछ माइनर होती हैं जो एस्थिनोसफेयर के ऊपर खिसकती हैं एस्थिनोसफेयर जहाँ से आपका मैगमा का जो सोर्स होता है ठीक है तो अगर हम हमने ये पढ़ा था इसके रिगार्डिंग कि ये वन परसेंट होता है अर्थ का वॉल्यूम और अर्थ का मास 84 परसेंट होता है बाय वॉल्यूम और 68 परसेंट होता है बाय मास ठीक है वॉल्यूम बाई मास और ब, 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 बचा आपका य, आ, ये कोर हो जाएगा कोर आपका तकरीबन 15 टू 16 परसेंट होता है बाई वॉल्यूम और आपका जो रिमेनिंग है ठीक है जैसे सॉरी 15 परसेंट होगा क्योंकि 84 फोर प्लस वन ऐसे 68 एट प्लस वन कर दो 69 आ जाएगा तो 31 परसेंट आपका बाई मास हो जाएगा कोर है ना बाई मास लिथोसफियर की अगर बात करें तो लिथोसफेयर आपका इसकी जो थिकनेस होती है तकरीबन 100 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है तो रेडियस की अगर बात करें तो तिरसठ किलोमीटर तक ये जाता है ऊपर से अगर नापे पे यहाँ से यहाँ तक तिरसठ सौ किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आपको सेंटर ऑफ अर्थ पर आना है तो इन ह्यूम्स द नेक्स इज द नेक्स इज जॉइन बाई दैड बाई विच ऑफ द फॉलिंग ज्वाइंट्स मनुष्यो में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिर से जुड़ी होती है आपके ऑप्शन आपके सामने जल्दी से आंसर बताइए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हिन्न जॉइंट पेवोटल ज्वाइंट या फिर फिक्सड ज्वाइंट अब डिफरेंट टाइप के तुम ज्वाइंट पढ़ो ठीक है डिफरेंट टाइप के हमारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में कुछ होते हैं इमूवेबल होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो इमूवेबल होते हैं आप उनको मूव कर ही नहीं सकते हो ठीक है वो इमूवेबल होते हैं और इनको हम बोलते हैं फाइब्रस ठीक है फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं कुछ होते हैं कि थोड़ा सा मूव कर जाते हैं यानी कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं स्लाइटली मूवेबल की कैटेगरी में आते थोड़ा बहुत ही मूव करेंगे जैसे कि हमारे जो कार्टिलेजिनस इन इनको हम कार्टिलेजिनस बोलते हैं कार्टी लेजिनस अब कार्टी लेज मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है कान को पकड़ो अपने कान को ठीक है जोर से खींचो वैसे ठीक है तो ये जो कान है आप इसमें ऑब्जर्व करो कि ये बोन जितना टाइट भी नहीं है हड्डी जितना टाइट भी नहीं है और स्किन जितना मुलायम भी नहीं है आपको कुछ अलग तरह का मैटर नहीं लग रहा है है ना अलग तरह का आटा लग रहा है जो थोड़ा सा मुड़ जाता है स्लाइटली मूवेबल है इसी तरह आपको नाक देखिए नाक में नाक में जो एकदम नाक का सेंटर होता है वहां पे तो हड्डी है आपके लेकिन नाक एकदम टिप ऑफ नोस टिप ऑफ नोज आइए टिप ऑफ नोज पे, पे। पकड़िए उसको कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि मतलब ना तो बहुत सॉफ्ट है ना तो हड्डी की जितना टफ है तो उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज तो उसी तरह के होते हैं आपके स्लाइटली मूवेबल और फिर आते हैं आपके सिनोवियल वो जो मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं सिनोवियल जो फ्रीली मूव करते हैं ठीक है फ्री फ्रीली मूवेबल सिनोवियल बोलते हैं इनको ये सिनोवियल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं पिवोट ग्लाइडिंग हिंज सैडल और आपके कॉन्डी लॉइड आपको नहीं पढ़ना है बाकी आपको सब पढ़ना है बॉल एंड सॉकेट पिवोट हिंज और सैडल एक एक करके समझिए कहाँ पे कौन मिलेगा सबसे पहले आइए बॉल एंड सॉकेट पे बॉल और सॉकेट यानी कि एक तरह की सॉकेट सॉकेट जैसे प्लग का सॉकेट होता है ना तो उसमें आप रख देते हो ठीक है उसी तरह यहाँ पे बॉल रखी हुई हुए समझ लो और ये आपके जहाँ पे ये होता है जॉइंट 360 डिग्री मूव करता है हाथ है ना यहाँ पे देखिए कंधे से आप पूरे हाथ को तो 360 डिग्री मूव करवा सकते हैं करवा सकते हैं नहीं है ना दैट हो गया आपका बॉल एंड सॉकेट सैडल पे आओ सैडल अंगूठे को पकड़ो अंगूठे को देखो अंगूठा मूव कर रहा है क्या मूव कर रहा है लेकिन क्या बॉल एंड सॉकेट जितना पूरा मूव कर रहा है क्या थ्री डिग्री नहीं मतलब मूव तो कर रहा है काफी मूव कर रहा है पूरा नीचे जा रहा है देखो बट पूरा पीछे नहीं जा रहा है मतलब जा तो रहा है थोड़ा सा थोड़ा सा जा रहा है लेकिन पूरा नहीं जा रहा है तो इसी वजह से बॉल और सॉकेट का थोड़ा सा एक लाइट वर्जन आप समझ सकते सैडल हो सैडल होता है ठीक है सैडल से याद आता है सैडल पीक सैडल पीक कहां क्या आइए स्पीक है जरा बताइए तो ये आपको अंगूठे में देखने को मिल गया हिंज पे आइए हिंज से तुम्हें क्या जाता है दरवाजा दरवाजा क्या पूरा तीन डिग्री खुल जाता है हम्म एक में पूरा जैसे पूरा 180 डिग्री तो पूरा फ्रीली घूमता है लेकिन उसके एक एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर तुम उसको तुमने उसको किया ना ये देखो इस तरह का होता है ना हिंच लगा होता है ना डोज पे इसके बियॉन्ड अगर तुमने उसको किया ना तो टूट जाएगा वो हाथ ये जैसे हाथ के बीच में होता है तुम अपने हाथ तो एकदम स्ट्रेट करो करो एकदम स्ट्रेट ठीक है इसको अपने कंधे से टच करो हो रहा है हो रहा है ना अब इसको जरा पीछे करो मतलब कि यही होते हैं ठीक है यही होते हैं थोड़ा साइड इफेक्ट बिना फेस या फिर बिना जो बोर्ड में पढ़ाए जो पढ़ाते हैं ठीक है ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं इस चीज के तो अब देखो इसको अगर पूरा अब इसको जैसे मेरा मैंने हाथ को स्ट्रेट कर दिया अब ए, मैं इसको नीचे मूव नहीं कर सकता नहीं टूट जाएगा उसको ठीक है मै उसको नीचे नहीं मूव कर सकता तो ये हिंज ज्वाइंट हो गया ठीक है अगर बात करें पिवटल पिवटल ज्वाइंट होता है जहाँ पर थोड़ा 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 मूवमेंट हो रहा है देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ इसको देखो ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये चीज़ है ये एक पिवट है ये इसके ऊपर हिल रहा है मतलब पूरा ये हो रहा है लेकिन अगर आप सोचो कि पूरा 360 डिग्री इस तरह का नहीं होगा जैसे कि गर्दन गर्दन सुबह सुबह एक्सरसाइज करते होगे ना तुम या फिर कभी बहुत गर्दन अकड़ जाती है तो ऐसे चट चट करते हो फिर पूरा ऐसे घुमा लेते हो है ना घुमा के देखो क्या पूरी तीन सौ साठ डिग्री घूम रही है क्या पूरी पीछे हो रही है नहीं पूरे पीछे है? क्या पूरी दाए घूम रही है नहीं घूम रही है ठीक है तो जहां पे थोड़ा थोड़ा इस तरह का गोल 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 मूवमेंट होता है जिस तरह हमारी नेक में होता है उसको बोलते हैं पिवर्टल पॉइंट तो अगेन नेक को ज्वाइन कर रहा है ठीक है हेड से कौन पिवटल पॉइंट ठीक है बॉल और सॉकेट तो मतलब पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री है. अब भूत तो हो नहीं तुम ठीक है भूतों का तो ठीक है बॉल एंड सॉकेट होता है वहां पर ये इसमें पिवोटल की जगह कि पूरा वो थ्री सिक्सटी डिग्री घुमा देते हैं लेकिन तुम भूत तो हो नहीं ठीक है तो ये तो हो नहीं सकता हिंज अगेन एक साइड तो पूरा लेकिन एक साइड बिल्कुल भी नहीं वो होता है हिंज फिक्स्ड जॉइंट ये होते नहीं एक्चुअल में फ्रीली मूवेबल होते हैं फिक्स्ड तो के ये होते हैं इमूवेबल वाले ठीक है तो आंसर होगा पिवोटल आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी फोर्थ विच ओ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड सोर्सेज करेक्ट नेम से खनिज और श्रोत का कौन सा युग्म सही है विटामिन ए पपाया में पाया जाता है आयरन आपका स्पिनच में पाया जाता है कौन सा इसमें सही जल्दी से बताइए और फिर आएगा आपका क्वेश्चन होता है डे उल्लू का पेविटल हाँ उल्लू का पे होता है सर मेरी हड्डी टूट गई याद करने के चेक में ले वो। चलो तो विटामिन ए की अगर बात करें इसमें पपाया पपाया में विटामिन देखने को मिलेगा और जो आपकी स्पिनच होती है जो पालक होती है उसमें आपको आयरन देखने को मिलता है ना आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है ठीक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा बोथ वन एंड टू ठीक है तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है अनिमिया और अनिमिया मुक्त भारत का हमने कब तक का लक्ष्य रखा है कब तक का टारगेट रखा है और वाइटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेरोपथैलमिया ठीक है रतौंधी बोलते हैं इसको नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेरापथैलमिया ट्वेंटी फोर्टी तक का टारगेट रखा है सबका सही है चौधरी, निखिल, करन, सौमित, संदेश। ये कुछ है आपके वाइटमिन किस किस में होता है, किस -किस में होता है? C, होते हैं। और कौन सा विटामिन होता है जो आपका आ, बॉयल करने में चीजों को वो उड़ जाता है कौन सा होता है कौन से वाटर सेल्यूबल होते हैं बी सी वाटर सोल्यूबल होते हैं वाटर सोल्यूबल कीड़ा यानी कि के फैट में में समय डी आप जानते हैं अगर कैल्शियम फॉस्फरस में रिच होते हैं तभी ये बोन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसकी कमी से आपका क्या हो जाता है हमने देखा था ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियो osteo का मतलब होता है बोन्स ठीक है सनलाइट में सबसे ज़्यादा होता है और देन आपका फिश ऑयल में होता है वाइटामिन ए ये भी पावरफुल एंटी होता है एंटी सेरेटिस की कमी से हो जाता है और वाइटमिन के आप जानते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है बिल्कुल चलो तो अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने ये रहा आज के क्वेश्चन ऑफ द डे एज पर देंसिस ट्वेंटी इलेवन वाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 से लेकर दो तक में ग्यारह तक तक में कितना एनुअल ग्रोथ रेट रहा पॉपुलेशन में 1.97, पॉइंट नाइन सेवन वन ठीक है तो कल इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा जानने को और ये लेक्चर खत्म होता है आपके कितने मार्क्स है ट्वेंटी में आपको ये बताना है जल्दी से और और क्या बताना है कुछ नहीं हो गया सेशन खत्म घर जाओ अपने अपने सो जाके ठीक है बिल्कुल शुभम कार्डियन ये जीके के लिए इनफ रहेगी सत्रह आए हैं अभय है के और संदीप के ट्वेंटी वन आए हैं मीनाक्षी सेवेंटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन मतलब पंद्रह से नीचे कोई उतर नहीं रहा है हैं बीस बाईस उन्नीस सोलह अठारह रो कह रहे हैं पाशा अठारह ठीक तो हैं सिक्सटीन ट्वेंटी शुभांकर सेवेंटीन अभय इन लेक् थैंक्स मीनाक्षी उप्स क्या हो गया ओप्स फिफ्टीन uh, साधना चलो भाई धन्यवाद सभी को पीडीएफ आपकी परमार ऑफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी बाकी मिलते हैं कल 4 पी पे पे आपकी अब आप क्लास होगी डेली बेसिस पे थैंक यू